करूँगा CCMT 2023 के बारे में, कि उसका जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल इम्पॉर्टेंट जो डेट हैं उनकी मैं बात करूँगा, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेट हैं, और जो लोग CCMT का फॉर्म फिल किए हैं वो लोग के लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, या फिर कि लोग ये मतलब कि आज जैसा कि लास्ट डेट है, ठीक है, 22 जून आज है, 22 जून है आज, तो आज जो है लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। मान लीजिए कि अभी मैं इस पे कई वीडियो बना चुका हूँ और कई बार बोल चुका हूँ कि जो लोगों का कोई ऑफ़र ना मिला हो, जैसे पांच राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, किसमें कोप में, तो फिफ्थ राउंड जो है कम्प्लीट हो चुके हैं कोप में, और उन लोगों को कोई ऑफ़र ना मिला हो पाँच राउंड तक, ठीक है, तो उन लोगों को ज़रूर अप्लाई कर देना चाहिए और ज़रूर रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए CCMT में, क्योंकि सेफ्टी के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको एडिशनल राउंड में ऑफ़र आ जाए वो बात अलग है, तो अगर एडिशनल राउंड में अगर ऑफ़र आ जाएगा तो वो जो है ऑफ़र आप लोग एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि ऑफ़र नहीं आया तब आप लोग क्या करेंगे, तो उसी सेफ्टी के लिए आपको जो है CCMT का फॉर्म फिल करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब दूसरी बात ये करते हैं कि कौन सी IIT जो है, मतलब कि कौन सी IIT बेकार है किस NIT कंपैरिजन में, नहीं कौन सी NIT जो है ज़्यादा अच्छी हैं कंपेयर टू द IIT, जैसे कि न्यू IIT कुछ IIT हैं उनसे अच्छी जो है ओल्ड NIT हैं, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, या फिर NIRF रैंकिंग का मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड किया है कि कौन सा टॉप 10 NITs या फिर टॉप 10 आपका जो IITs हैं, ठीक है, उसके बारे में मैंने कंपेरिजन किया हुआ है, तो वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप लोग CCMT फॉर्म फिल कर देंगे तब आपको जो है पता चल जाएगा कि हमें जो है IIT लेना चाहिए। मान लीजिए कि न्यू IIT आपको मिला, जैसे IIT रोपर आपको मिला है, ठीक है, IIT रोपर, तो IIT रोपर आपको मिला और आपको NIT वहीं पे त्रिची मिल रहा है, NIT त्रिची, तो NIT त्रिची मिल रहा है, IIT रोपर मिला है, तो IIT रोपर बेकार है NIT त्रिची कंपैरिजन में, भले इसका टाइगर IIT है लेकिन ये बेकार है NIRF रैंकिंग प्लेसमेंट के हिसाब से, या फिर अदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनके हिसाब से IIT रोपर आपका बेकार है NIT त्रिची कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो जो है, जो मतलब इम्पॉर्टेंट डेट है उनके बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पेमेंट 5 जून से आपका जो है स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन आज जो है लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप लोग मान लीजिए कि एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन आप लोग आज लास्ट डेट मान के चलिए कि आज ये लास्ट डेट है, मान लीजिए एक्सटेंड हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तब आप लोग आज लास्ट डेट है, आप लोग जो है अप्लाई कर दीजिए 12 बजे से पहले, ठीक है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फी पेमेंट, जो फी पेमेंट आप लोग करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, फी पेमेंट कितना फीस पड़ेगा उसके ऊपर मैंने एक CCMT के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो फी पेमेंट के लिए आपको 24 जून, ठीक है, 24 जून से पहले आपको जो है पेमेंट कर देना, यानी परसों से पहले, अगर आपका उसमें कोई इशू आता है तो आपको 26 से पहले रिजॉल्व कर लेना है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन चॉइसेस फिलिंग लॉकिंग एंड चॉइसेस बाय द कैंडिडेट, ये आपका 26 है, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएगा, या फिर आप लोग क्रोम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर ऑटोमेटिक लॉकिंग एंड सेव्ड चॉइसेस इफ चॉइसेस नॉट लॉक्ड बाय द कैंडिडेट, तो 26 मई है। अनाउंसमेंट है, तो देखिए बहुत जल्दी इसका प्रोसेस हो रहा, 5 तारीख को आया, उसके बाद 22 को आपका लास्ट डेट है, उसके बाद देखिए 29 से आपका ऑफर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट राउंड का जो सीट अलाटमेंट है या फिर फर्स्ट राउंड का जो ऑफर है वो स्टार्ट हो जाएगा 29 जून को, तो 29 जून को आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो पेमेंट ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस फीस आएगा, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको जो है जमा कर देना है, एंड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है ऑनलाइन, ठीक है। अब उसमें फ्रीज कर सकते हैं, फ्लोट या फिर स्लाइड जो आपको करना हो कर सकते हैं, तो आपको 29 जून तक आपको ये सब काम कर देना है। फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन 29 जून को ही है। फिर उसके बाद डेडलाइन फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, तो 5 जुलाई आपका जो है मतलब कि डेडलाइन है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो वेरीफिकेशन, अगर फर्स्ट राउंड का जैसे रिजल्ट आया तो 5 जुलाई से पहले आपको जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन बाय द ऑफिसर अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि इंस्टीट्यूट आपका वेरीफाई करेगा 5 जुलाई से पहले, तो आपको अपलोड कर देना है 29 जून को, ठीक है। फिर अनाउंसमेंट ऑफ द, ये मतलब कि आगे उसी तरीके से सेम प्रोसेस आपका जैसे फर्स्ट राउंड में होता है उसी तरीके से आपका चलता रहेगा, अनाउंसमेंट ऑफ द राउंड 2 सीट अलाटमेंट। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि फ्रीज फ्लोट स्लाइड इसका मतलब क्या होता है, कब आपको करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, तो वीडियो आ जाएगा कब आपका जो 29 जुलाई से आपका स्टार्ट है, हाँ 29 जून से आपका स्टार्ट है सॉरी, तो 29 जून से पहले आपको जो है एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपको कंप्लीट डिस्कशन मिल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। फिर उसके बाद राउंड 3 देखिए 13 जुलाई को आ जाएगा, ठीक है।
और ये आपका जो है मतलब कि इम्पॉर्टेंट डेट था। फिर उसके बाद फेज सेकंड आपका ज़रूरी नहीं कंपलसरी, वो क्या कहते हैं फेज सेकंड, हाँ फेज सेकंड में क्या कहते हैं कि अनाउंसमेंट आप जो सीटें अगर वैकेंट रह जाती हैं, मान लीजिए कि आपका 3 राउंड होंगे, अगर 3 राउंड में आपका सीट वैकेंट रह जाती हैं तो जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं उनके लिए जो है आगे आपका ये टेंटेटिव होता है, ज़रूरी हो कि ना हो मतलब ये कंपलसरी नहीं, लेकिन आपका जो है वैकेंट सीट अगर रह जाती तो आपका जो है ये आगे जो है ये फेज सेकेंड वाला प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो स्पेशल राउंड इसमें आते हैं, स्पेशल राउंड 1 आएगा, स्पेशल राउंड आपका जो है 2 आएगा, तो सेम प्रोसेस चलता रहता है जैसे कोब में चलता है, 5 राउंड सभी आई टीज में होते कंपलसरी हैं, लेकिन उसके बाद जो है कुछ ना कुछ आपके एडिशनल राउंड होते हैं। ठीक है, पीएफ स्पॉट राउंड होते हैं, तो इसी तरीके से आपका इसमें भी होता है। तो फिर इसमें देखिए नेशनल स्पॉट राउंड होगा, फेज थर्ड में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस अगर सीट अगर वैकेंट रह जाती तब ये होता है। अगर एक चीज़ मैं क्लियर आपको ये कर दूँ कि अगर आप लोग जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तब भी आपको NIT मिलेगा 100%। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, अच्छे से फॉर्म फिल करिए, और जो लोग अभी नहीं किए हों और कोई भी ऑफर नहीं पाए हों 5th राउंड तक, तो वो लोग CCMT का फॉर्म ज़रूर फिल करें। थैंक यू।